महू में हाथ ठेला व्यापारियों ने छावनी परिषद कार्यालय का घेराव किया। हाथ ठेला व्यापारियों ने छावनी परिषद द्वारा किए दिए नोटिस को लेकर विरोध दर्ज कराया। सीईओ को ज्ञापन देते हुए हाथ ठेला व्यापारियों ने अपनी मांगे रखी। कांग्रेस नेता पुनीत शर्मा भी हाथ ठेला चलाते हुए व्यापारियों के साथ छावनी कार्यालय पहुंचे। वहीं सीईओ मनीषा जाट ने ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन से बातचीत कर समस्या का समाधान करने की बात कही। जो गरीब ठेले व्यवसायी हैं मऊ के अंदर 300, उनको स्थानांतरित करके सब्जी मंडी हिल शेड करा जा रहा है। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध करा है कि गरीब आदमी जो है वहाँ चले जाएगा तो खाएगा क्या। इनकी जो ठेला व्यवसायी हैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी ऐसे ही स्थिति में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। इनका जो पूरा परिवार है, इनका भरण पोषण सबका इसी सिर्फ एक ठेले के माध्यम से होता है, जो कि जो छावनी अधिकारी मैडम है वो लोग उनको जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं डिसीड में। हमारा विरोध है कि उनको वहाँ स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, इन लोगों को यथास्थिति में रखना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे हैं कि सौ निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन देंगे, वहीं इन गरीब ठेला व्यवसायियों से कैंटोनमेंट द्वारा 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो ये दिखावा किस बात का है। आप सौ निधि की तहत बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे हो, 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, और वहीं इन गरीब भाइयों से माताओं से 5,000 रुपये कैंटोवर्ड वसूल रहा है, जो कि गलत है। ये जो ठेले वाले हैं उनके परिवारों की तरफ से कोई ज्ञापन है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें दिया है? ज्ञापन हम लोगों ने दे दिया है, जो भी उनकी समस्याएं हैं उससे हम लोग विचार करेंगे। बोर्ड ने जो है ऑलरेडी ग्रिड शेड में इनके उनको स्थापित करने के लिए व्यवस्था की है। उसके अलावा हाथ मैदान भी है कैंटोनमेंट बोर्ड का, वहाँ पर भी जगह है जहाँ पर ये लोग जा सकते हैं। तो इनकी जो डिमांड है उसको भी देखते हुए शहर में जो ट्रैफिक और बाकी समस्याएं हैं उन सबको एक साथ में देखते हुए मैम, जो इनकी समस्या है मेन घूमने को लेकर भी क्या प्रशासन छावनी परिषद इनको बैन कर रहा है लोगों को शहर के अंदर घूमने के लिए, जो सब्जी के ठेले या फल के ठेले? जो भी उनकी डिमांड है हम लोग साथ में बैठेंगे, उसमें ट्रैफिक पुलिस और बाकी जो अथॉरिटीज हैं उसके अलावा वो विचार करेंगे। गरीब ठेले व्यवसायी हैं मऊ के अंदर 300, उनको स्थानांतरित करके सब्जी मंडी हिल शेड करा जा रहा है। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध करा है कि गरीब आदमी जो है वहाँ चले जाएगा तो खाएगा क्या। इनकी जो ठेला व्यवसायी हैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी ऐसे ही स्थिति में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। इनका जो पूरा परिवार है, इनका भरण पोषण सबका